जनपद हापुड़ में आज भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले का 190वां जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। विभिन्न संस्थाओं के सामाजिक संगठनों ने माता सावित्री फुले का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया। सैनी महासभा उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में मीनाक्षी रोड पर सावित्री बाई फुले का 190वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सैनी महासभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सैनी ने कहा कि सावित्री बाई फुले ने उस समय शिक्षा का बीड़ा उठाया जिस समय महिलाओं को घर से बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं थी। उन्होंने पत्थर खाकर शिक्षा की ज्योत जगाई। इस अवसर पर उन्होंने सावित्री फुले जयंती को महिला शिक्षा दिवस व सावित्री बाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले को भारत रत्न की मांग भारत सरकार से की। सैनी महासभा उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश सैनी ने कहा कि सावित्री बाई फुले ने देश की 50% आबादी के लिए सीधे सीधे कार्य किया है और यदि संपूर्ण देश को देखो तो करीब 92% आबादी के लिए सीधी सीधी शिक्षा की लड़ाई माता सावित्री बाई फुले ने ही लड़ी है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पोषण लाल सैनी ने कहा कि सावित्री बाई फुले ने शिक्षा की जो अलख जगाई उसी का नतीजा है कि आज देश राष्ट्रपति से लेकर सभी छोटे बड़े पदों पर महिलाएं कार्य कर रही हैं। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए लड़ाई लड़ी तथा सती प्रथा जैसी कुप्रथा के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। इस अवसर पर जिला महासचिव मुकेश सैनी, जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र सैनी, अमित सैनी, सुनील सैनी, तोताराम सैनी, महेंद्र सैनी, बोबी सैनी, जतिन प्रजापति, सत्यपाल सिंह पाल, अंकुश सैनी, निशत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई गई। महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने इस देश की 92% आबादी के लिए शिक्षा की ज्योत जगाई। भारत सरकार से हम महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के लिए भारत रत्न की मांग करते हैं, क्योंकि ये सच्चाई है जिस समय महिलाओं को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी उस समय सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले ने संघर्ष किया और महिला और पुरुषों को शिक्षा का अधिकार दिलाने का कार्य किया, जहां स्वर्ण समाज से लेकर दलित पिछड़े अल्पसंख्यक किसी को भी कोई भी समाज अपनी महिलाओं को पढ़ाई का अधिकार नहीं देता था। उस वक्त में माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए महिला विद्यालय की नींव रखी तथा महिला विद्यालय प्रारंभ किए। ऐसी महान हस्ती, ऐसी महान विभूति माता सावित्रीबाई फुले के लिए हम सैनी महासभा उत्तर प्रदेश की तरफ से भारत रत्न की मांग करते हैं भारत सरकार से कि वो माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले को भारत रत्न